नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल विज्ञानकारी मैथ्स पर। आज के इस वीडियो में हम BSc फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के लिए जो JNVU से हैं उनके लिए भौतिकी के तीसरे पेपर के जो टॉपिक्स हैं सिलेबस के बारे में जानेंगे, और साथ ही साथ इस वीडियो में हम उस से संबंधित सभी वर्षों के प्रश्न भी जानेंगे, पिछले वर्षों में कैसे प्रश्न आए वो भी जानेंगे। तो चलिए देखते हैं। पहला, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसमें 5 यूनिट्स हैं और पहली यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगें, जिसमें डिस्प्लेसमेंट करंट यानी विस्थापन धारा, मैक्सवेल इक्वेशन यानी मैक्सवेल की समीकरण हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इक्वेशन है, और पॉइंटिंग थियर में प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस, वेव इम्पेडेंस फ्री स्पेस, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम एंड कंडक्टिंग मीडियम, स्किन डेप्थ है, प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन आयोनाइज गैसेज, पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ये सारे टॉपिक्स हैं। दूसरी यूनिट, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, बाउंड्री कंडीशन फॉर सरफेस डिसकंटिन्यूटी, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन द इंटरफेस ऑफ नॉन कंडक्टिंग मीडिया, फ्रेनेल्स इक्वेशन एंड दियर एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन कोफिशेंट्स, ब्रूस्टर्स लॉ एंड डिग्री ऑफ पोलराइजेशन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगले जो टॉपिक्स ये हैं वो यदि देखें तो क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन पैरेलल एंड परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स ऑफ पोलराइजेशन एंड वेव्स, रिफ्लेक्शन फ्रॉम कंडक्टिंग प्लेन ये, और तीसरी जो यूनिट है वो है इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विद मैटर, द्रव्य के साथ विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो अन्योन्य क्रियाएं, इनमें नॉर्मल और एनोमेलियस डिस्पर्जन ऑफ लाइट यानी प्रकाश का विक्षेपण पड़ेंगे इसमें दो प्रकार के। अगला जो टॉपिक है वो है एम्पिरिकल रिलेशन, लॉरेंस थियरी ऑफ डिस्पर्जन गैसेज, एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन, एनोमेलियस डिस्पर्जन ऑफ इन गैसेज, स्कैटरिंग ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड स्कैटरिंग पैरामीटर्स, थॉमसन रेजोनेंट एंड रेलेज स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, पोलराइजेशन ऑफ स्कैटरिंग लाइट, कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट स्कैटर्ड लाइट, डिस्पर्जन इन लिक्विड एंड सॉलिड्स, क्लासियस मैक्सिटी इक्वेशन एंड लॉरेंस फॉर्मूला। तो अभी हम 3 यूनिट्स को देख चुके हैं, चौथी यूनिट है वो रिलेटिविटी मैकेनिज्म, टॉपिक्स सारे आप देख सकते हैं जिसमें कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशन है, कॉन्ट्रावेरिएंट एंड कोवेरिएंट वेक्टर्स हैं, और टेंसर्स ऑफ सेकंड एंड हायर रैंक, एडिशन सब्ट्रैक्शन कंस्ट्रक्शन आउटर इनर प्रोडक्ट ऑफ टेंसर्स, कोवेरियंस टेंसर इक्वेशन, मिंकोविस्के स्पेस, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ लॉरेंज ट्रांसफॉर्मेशन, स्पेस लाइक टाइम एंड इंटरवेल्स, फोर वेक्टर्स, फोर डायमेंशनल ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल ऑपरेटर, फोर वेलोसिटी, फोर एक्सलरेशन, फोर मोमेंटम, फोर फोर्स, रिलेटिविटी एंड क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टिकल्स, और जो 5वीं यूनिट है वो है रिलेटिविस्टिक इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, इनवेरियंस ऑफ चार्ज, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सरफेस चार्ज डेंसिटी, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी ऑफ एंड करंट डेंसिटी, इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी इन कोवेरेंट फॉर्म, स्केलर एंड वेक्टर्स पोटेंशियल्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पोटेंशियल, लॉरेंज कंडक्शन एंड इट्स कोवेरिएंट फॉर्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड टेंसर्स, कोवेरियंस ऑफ मैक्सवेल इक्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड्स, लॉरेंस फोर्स इन कोवेरिएंट फॉर्म, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए मूविंग चार्ज, ये टॉपिक्स हैं। अभी हम जान लेते हैं प्रश्नों को जो पिछले वर्षों में आए हैं। तो मैं सबसे पहले 18 का पेपर दिखाऊंगा आपको, 18 का जो प्रश्न पत्र हैं। सबसे पहले हम सहभाग की बात कर लें। पहली यूनिट में जो प्रश्न आया वो आयनीकृत गैस के लिए विद्युत चुंबकीय तरंगों के संचरण का वर्णन करो तथा दर्शाओ कि एन अपवर्तनांक तथा डब्ल्यू पी प्लाज्मा आवृत्ति है या ओमेगा पी के दो, और ये संबंध निकालना था। इसमें ये प्रश्न है, प्रश्न आप सारे देख सकते हैं आराम से। तो किस प्रकार से प्रश्न इसमें आए, ये सहभाग के हैं, ठीक है। और अब देखते हैं ब भाग के 2018 के। यहाँ से देखो, ये पेपर तीसरा पेपर कर रहा हूँ बाद में इसकी। तो अ भाग में ये प्रश्न पहला दूसरा पहले यूनिट से, तीसरा चौथा दूसरी यूनिट से, पांचवा छठा तीसरी यूनिट से। वीडियो को पॉज करके आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। और ये दोनों और ये अंतिम दो यूनिट से। फिर पहली यूनिट से ये प्रश्न आया, मुक्त आकाश में संचरित समतल विद्युत तरंग के पॉइंटिंग सदिश और ऊर्जा घनत्व के सूत्र निकालो, या फिर ऐसे इसी के अथवा में ये प्रश्न आ गया, सिद्ध करो कि एन बराबर मो अंडर द रूट एप्सिलॉन आर। ये सारे प्रश्न आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। और ये अंतिम प्रश्न ये है। अब देखते हैं हम 2017 का प्रश्न पत्र। तो 2017 का प्रश्न पत्र देख लें, उससे पहले 2019 का पेपर देख लें, जो थर्ड पेपर अपने पास 2019 का है। अब देखिए 2019 में जो पेपर आया अपना, उसके सारे प्रश्न आप देख लीजिए। ये तीसरी यूनिट का अथवा वाला प्रश्न, चौथी यूनिट के दोनों प्रश्न ये पढ़े अथवा में हैं, जो पांचवी यूनिट के ये पढ़े दोनों, और ये सब भाग के दो यूनिट के प्रश्न, और शेष ये सारे प्रश्न 2019 के प्रश्न पत्र के हैं। अब हम 2017 के प्रश्न पत्र के सारे प्रश्न देख लें। तो ये है 17 का पेपर तीसरा, विस्थापन धारा त्वचा गहराई अच्छे चालक के लिए परावर्तन गुणांक का मान, ये सारे प्रश्न। ये पहली दूसरी, वीडियो को पॉज करके आप अच्छे से इसको देख लीजिएगा। यदि पेपर नहीं है ना पास में तो दिक्कत होती है, नहीं तो यदि हमारे पास प्रश्न पत्र हैं तो हमें आसानी रहती है थोड़ी सी कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं और हमें कौन कौन से प्रश्न अच्छे से स्मरण कर लेने चाहिए। अब हम देखते हैं 2016 का प्रश्न पत्र, थोड़ा सा वेट करिएगा। और अब हमारे पास हैं 2016 का प्रश्न पत्र। तो ये सारे प्रश्न पड़े हैं आपके सामने, देख सकते हैं आप। ये तो दूसरा पेपर आ गया। 15 का पेपर देख ले हम थोड़ा सा, 15 तक देख लेना तो अच्छा रहता है, इसलिए
हम 2015 का थर्ड पेपर देख लेते हैं, थोड़ा सा रुकिएगा, कहाँ भाग गया। चलो ये पढ़ा, यहाँ से शुरू हुआ। देखिए यहाँ पे एक प्रश्न ही है, शेष प्रश्न में पीछे दिखा रहा हूँ। वीडियो को पॉज करके आप सारे अच्छे से देख सकते हैं, थोड़ा सा आपको कष्ट होगा लेकिन क्या करें, थोड़ी सी हमारी भी मजबूरी समझिएगा। ये सारे प्रश्न आपको मिल तो रहे हैं कम से कम। इस प्रकार 15 तक देखा, अब हम शेष दो यूनिट्स, नहीं हमने सारे यूनिट्स देख लिए हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, 16, 17, 18 और 19 इतने प्रश्न पत्र हमने देखे आज की इस वीडियो में, बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट ज़रूर कीजिए कि अगला जो पेपर के लिए, अगले जो पेपर सारे हैं वो हम किस पे वीडियो बनाएं।